बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्क एपिसोड डिवीजन वीक डे 2 को। तो आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा इनकर। इनकर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन यू हैव टेकन। यानी आपने कोई चीज़, कुछ एक्शन आपने लिया है, उससे उसके रिजल्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, उसे हम कहते हैं इनकर करना। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबस्टेन या सस्टेन या अरोज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अवॉइड। याद करने की ट्रिक देखिए, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इनकर करना पड़ता है। यानी अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमें उसका जो रिजल्ट है उसे हमें फेस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी कि इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इनकर करना पड़ता है। इंसान से इनकर आपको, आप कनेक्ट करो और इस वर्ड को याद रख सको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? आई विल पे एनी एक्सपेंस इनकर। जो भी एक्सपेंस होगा उसे मैं इनकर करूँगी, यानी उसे मैं खुद करूँगी एक्सपीरियंस। इस तरह से आपको, आपने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनविसेज। इनविसेज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इमेजिन समथिंग डैट डजेंट येट एग्जिस्ट। यानी कुछ ऐसा इमेजिन करना जो अभी अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वैसा कुछ हो सकता है, उसका इमेजिनेशन करना क्या कहलाता है? इनविसेज। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोरसी या फोरकास्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, सेज ने मेरा फ्यूचर इनविसेज किया। यानी सेज, यानी सेज किसको कहते हैं? संत महात्मा। उन्होंने मेरे फ्यूचर को, मेरे भविष्य को इमेजिन किया, इनविसेज किया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, नोबडी कैन इनविसेज द कंसिक्वेंसेस ऑफ टोटल वार। कोई भी इन्विसेज नहीं कर सकता, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि जो अगर पूरी तरह से वॉर हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी उसके बैड परिणाम क्या होगा उसका। ओके, कोई भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अफूट। अफूट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपनिंग और बींग प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। यानी कोई भी चीज़ हो रहा है, ओके, किसी चीज़ को हम प्लान कर रहे हैं या प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं अफूट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गोइंग ऑन या इन द पाइपलाइन। ये एक फ्रेजल वर्ब है या ईडियम। ओके, और याद करने की ट्रिक देखिए, हमारा फूड बाहर खाने का प्लान अफूट है। यानी हमारा बाहर खाने का प्लान, बाहर खाना खाने का प्लान क्या है? अफूट है। यानी कि ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, ये प्लान हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, प्लान्स वेयर अफूट टू बिगिन कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग इस तरह से हो रही थी कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बिगिन करेंगे। तो इसकी क्या हो रही थी? प्लानिंग हो रही थी, प्लान प्रिपेयर्ड हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्डिटी। ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट भी है। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। यानी ऐसी अवस्था या ऐसी क्वालिटी जिसमें आप स्टूपिड की तरह हो। ओके, आपकी बातें अनरीजनेबल है, कोई सेंस नहीं बन रहा, उसे हम कहते हैं एब्सर्डिटी। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिकुलस या फॉली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनेबलनेस या सेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्जाम के दिन एब्सेंट होना एब्सर्डिटी है। एग्जाम के दिन आप कोई एब्सेंट हो रहा है, बताओ उससे बेवकूफ़ कोई होगा? नहीं होगा। तो एग्जाम के दिन एब्सेंट होना क्या है? एब्सर्डिटी है। मैंने ये वर्ड्स कई बार आपको कराया है, तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। होता क्या है, जब वर्ड्स को बार बार पढ़ते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो ही आपको ये वर्ड्स जो हैं याद रह पाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, टू बिलीव डैट अर्थ इज़ फ्लैट इज़ एन एब्सर्डिटी। ये मानना कि अर्थ फ्लैट है, ये क्या है? एब्सर्डिटी। यानी कि बेवकूफ़ वाली बात है, स्टूपिड वाली बात है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न आउट। बॉर्न आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ की सच्चाई को सपोर्ट करना, उसे हम कहते हैं बॉर्न आउट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फर्म्ड या वैलिडेटेड। याद करने की ट्रिक देखिए, रिजल्ट आउट होने की बात को मैंने बॉर्न आउट किया, यानी रिजल्ट आउट होने की बात को मैंने कंफर्म किया। ओके, एग्जांपल देखिए, दिस न्यूज़ इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय द फैक्ट्स। ये जो न्यूज़ है वो फैक्ट्स के द्वारा बॉर्न आउट नहीं है, यानी फैक्ट्स के द्वारा वैलिडेट नहीं हुआ है, कन्फर्म नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद करी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।